बाबर हिमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां एंड औरंगजेब ठीक है ये आपके फेमस मुगल एम्परस है उसके बाद लेसर नोन एम्पेयर है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है विच मुगल एम्पर वॉज इज नोन फॉर इज पॉलिसी ऑफ सुले देखो सुल्ले पॉलिसी जो है ये रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी है ठीक है इसमें बात होती है यूनिवर्सल पीस की यूनिवर्सल पीस की ऑनेस्टी की एथिक्स की तो जहां भी रिलीजियस टॉलरेंस से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी होगी वो उसमें आप आंसर क्या लिखोगे अकबर ठीक है तो रिलीजियस टॉलरेंट इंसान थे और रिलीजियस पॉलिसीज uh, जो थी टॉलरेंस पॉलिसीज काफी ये लेके आए थे द फेमस बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी took place in which year अब देखो हमें पता है थ्री बैटल्स ऑफ पानीपत हमने पढ़े हैं बाबर आपके मुगल एम्परर मुगल एंपायर से और इब्राहिम लोधी कहाँ से दिल्ली सल्तनत ठीक है तो 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अब थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इनके बीच में हुआ था एक साइड से अकबर थे और एक साइड से हीमू थे ये हिंदू किंग थे ठीक है ये कहाँ के थे जो दिल्ली सल्तनत थी पुरानी उसके पीएम थे ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था मराठा के बीच में एंड अफगान के बीच में मराठा साइड से इट वाज लेड बाय सदाशिवराव शिवराव शिव राव भाऊ एंड दिस इज योर अहमद शाह दुरानी ठीक है तो इसमें अकबर ने ये जीता था सेकंड बैटल थर्ड बैटल जीता था अहमद शाह दुरानी ने ठीक है अब आप सोच रहे हो बैटल ऑफ पानी पानीपत काफी फेमस था बैटल्स वहां पे काफी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे क्यों क्योंकि क्यु? उसकी वो हरियाणा में और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी थी फर्टाइल प्लेन्स थे कि वहां पे जो बैटल्स है वो आराम से लड़ाई हो सकती थी ठीक है और वो सस्टेन कर पाते थे काफी टाइम के लिए वहां पे जो भी अभी तक बैटल्स हुए हैं हु वॉज द मदर ऑफ एम्पिर अकबर हमीदा बानु बेगम द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वॉज कमिशन बाय विच मुगल एम्पिर यह हमें पता है शाहजहां यहाँ बचपन से स्कूल में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री बुक्स में और किन, बना, किन के लिए बनाया था अपनी वाइफ की मेमोरी में जिनका नाम था मुमताज महल एटलीस्ट हमने तो यही पढ़ा है आगे देखते हैं हु वॉज अ मुगल एम्पिर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन वो थे बहादुर शाह सेकेंड बहादुर शाह जफरबीन को बोलते हैं अब देखो जब ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन इसको सिपाही म्यूटनी भी बोला जाता है कि जो सिपाही थे उनकी लड़ाई थी ठीक है जब उन्होंने वो मीरठ से आए थे ट से जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो दिल्ली जाके उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमारा जो इसका एक लीडरशिप ये अंडर जो रिवॉल्टी ऑफ 1857 इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर मेन लीडर होगा वो होंगे बहादुर शाह जफर तो काफी बूढ़े थे वो खुद कुछ कर नहीं सकते थे लेकिन इससे आप देख सकते हो इसका एक मोटिव ये भी था कि वो अपनी यूनिटी जो थी वोक्स की तरफ दिखा रहे थे जो भी से थे कि मुगल की तरफ और उन्होंने रिफ्यूज किया था रिकोगनाइज करने को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एज देयर रूलर और उनका था कि वो बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर कर रहे हैं अपना रूरल ताकि वो एक मैसेज पहुंचाए कि लोग जो है वो अभी भी एसोसिएट कर रहे हैं खुद को मुगल से और ना के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से द मुगल एम्पर हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू डेली वॉज शाहजहान ठीक है ओल्ड डेली इसका इन्होंने नाम रखा था शाहजहानाबाद और फिर लास्ट तक जब तक मुगल एम्पायर जब तक से रूल किया था तक तक तब तक ये सेंटर जो था इसका कैपिटल मुगल एम्पायर का वो शाहजहानाबाद ही था विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ डिवाइन फेथ और दीन इलाही अब देखो डिवाइन फेथ क्या होता है आप इसको रिलीजन ऑफ गॉड भी बोल सकते हो बेसिकली कोई एक गॉड का रिलीजन नहीं था ये भी अकबर लेके आया था मैंने कहा था टॉलरेंस पॉलिसीज अकबर से रिलेटेड है है तो ये ब्लेंड ऑफ टीचिंग था अलग अलग का ठीक और अकबर ने इसके जरिए खुद को डिक्लेयर किया था एज स्पिरिचुअल लीडर जिसको खलीफा भी, खलीफा भी बोला जाता है ठीक है इसी पॉलिसी के चलते उन्होंने एबॉलिश किया था जजिया को ये टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स को पे करना होता था जजिया टैक्स को ठीक है उसको एबॉलिश किया इन्होंने और इन्होंने ये जो पॉलिसी थी इनको ये आ, सही से प्रोपोगेट नहीं कर पाए थे और ये स्मॉल हैंडफुल ऑफ पीपल जो थे वही फॉलो करते थे दीनेला ही ये बेसिकली जो टीचिंग्स थी डिफरेंट रिलीजन की डिफरेंट स्क्रिप्चर्स जो बोलते थे उसको कंबाइन किया गया था और अगर कोई कहीं पे आप कॉन्फ्लिक्ट आता था टीचिंग्स के बीच में तो ये खुद उसको इंटरप्रेट करते थे इसीलिए उन्होंने खुद को एज स्पिरिचुअल लीडर एज ऑफ पीपल स्पिरिचुअल गुरु स्पिरिचुअल लीडर बोल दो या खलीफा नाम जो है खुद को दिया था लोगों का मुगल एम्पायर रीच टेरिटोरियल जेनेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ देखो पीक पे टाइम पे उसके बाद काफी वो इकोनॉमी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए और इतने सारे टैक्सेस जो औरंगजेब लेके आए थे उसने भी बैकफायर किया तो ऑप्टिमाइज जब कुछ हो जाती है पीक पे पहुंचे उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है ठीक है तो उसी उनके ही रूल के टाइम पे एक इसका जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ विच मुगल एम्पायर वॉज नोन फॉर इज लव फॉर आर्ट एंड बिल्ट एंड बिल्ड द शालीमार बाग इन श्रीनगर चलो आप एक कमेंट सेक्शन में लिखो शालीमार बाग जो श्रीनगर में है वो किसने बनाया था द मुगल एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर द रेन ऑफ और मैंने पहले आपको बताया द मुगल एम्पायर ऑफिशियली केम टूट एंड विद ऑफ वेम्पर बहादुर शाह जफर बहादुर शाह को बोलते हैं और कब हुआ सेवन के बाद आपके जो मुगल एम्पायर है वो खत्म हो गया सारा टेक ओवर किसने किया ब्रिटिश ने मुगल पेंटिंग जहांगीर तो काफी, uh, पे काफी दिया, ये, painting, और पे दिया तो नेचुरल नेचर uh, की चीजें वो ये पेंट करते थे और काफी ज्यादा इन्होंने जो है पेंटर्स अपने इसमें कोर्ट में लेके आए थे और खुद भी ये पेंटिंग करते थे हु मुगल एम्पिर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां दाराशिको द फेमस बुलंद दरवाजा लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट दिक्टी इन विच बेटल एंड द आंसर इज गुजरात कैंपेन ऑफ अकबर इसे क्या किया था गुजरात कैंपेन ऑफ अकबर से अकबर ने अपना एरिया जो है मुगल एम्पायर उसको एक्सटेंड किया था और गुजरात भी अपने अंडर ले लिया था तो काफी प्रॉस्परस किंगडम थी गुजरात इससे पहले इसको ये एक सल्तनत ऑफ गुजरात जो है एक इंडिपेंडेंट किंगडम थी ठीक है और एक पावरफुल रीजनल फोर्स था इसके बाद इस कैंपेन के बाद ये किसके साथ मिल गया अकबर के अंडर आ गया दैट मीन मुगल एम्पायर के साथ ये कंबाइन हो गया विच मुगल रूलर वॉज नोन फॉर एबॉलिशिंग द जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम जिन्होंने आपको पहली कहा है अकबर द मुगल एम्पायर हिमायू वॉज ब्रीफली एग्जाइल टू विच किंगडम बिफोर रिगेनिंग हिज एम्पायर अपनी एम्पायर को वापस लेने के बाद कुछ टाइम के लिए उनको एग्जाइल किया गया था तो वो कहाँ थे तब मालवा में Who was the Mughal Emperor during the red during the construction of Red Fort in Delhi? Mughal Emperor uh, किसके time पे जो है Red Fort को construct किया गया था? Shah Jahan. The Battle of Khanwa was fought between Babur and whom? देखो जब Battle of Khanwa ये Babar के Babar आपका Mughal Empire ठीक है Mughals और इनके बीच में हुआ था Rajput Confederacy जिसमें Rajput थे और powerful kingdoms जो थी North India की वो वो एक सी बना के बाबर के साथ लड़ाई की थी बैटल ऑफ़ खानवा इंक्रीज हुआ था और इसने इसमें डिक्लाइन भी उसके बाद डिक्लाइन हो गया था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द रीजन किसका जो राजपूत से उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो गया था. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मुगल एम्पियर व्हेन द कोहिनूर डायमंड केम टू मुगल पोजेशन तब कौन से एम्पर थे बाबर और आज कोहिनूर डायमंड कहाँ है आज ए टावर ऑफ लंडन यूके में ठीक है दैट इज ऑल थैंक यू हैव ए ग्रेट डे